मोहम्मद जायसी कृत नागमती वियोग खंड के अंतर्गत लिए गए 12 मासा के दूसरे पद की ओर अब हम बढ़ते हैं। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी क्या कह रहे हैं नागमती की विरह अवस्था को बताते हुए। वह कहते हैं, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिसितापा, बिरह बाढ़ी भा दारुण सियो, कांपी मरेव लेही हर जियो, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला, रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियों बिछोही पंखी, बिरह सचान भवे तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, रक्त धरा मासुगरा, हाड़ भये सब संग, धनी सारस हुई ररिमुई, आई समेट हुपंक। विरह की तीव्रता को, विरह की कह सकते हैं अधीरता को यहाँ और कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जायसी लिखते हैं। वे बताते हैं वो क्या कह रहे हैं। नागमती जो है रत्नसेन के जाने से इतनी व्यथित हो उठी है, अब मास भी बदल गया है, अब पूस मास आ गया है। पूस में आपने क्या कह सकते हैं प्रेमचंद जी की कहानी भी पढ़ी होगी, पूस की रात सबसे ठंडी रातों में से ही गिनी जाती है पूस की रात। वो कहती है कि पूस महीना आ गया है, शीतलता और अधिक बढ़ गई है और ठंडक के कारण जो है नायिका अर्थात पद्मावती का जो शरीर है वह थर थर तन कांपा, थर थर कांप रहा है। वो कहते हैं सूरज जड़ाई, सूरज क्या है लंक दिशितापा, लंका दिशा की तरफ चला गया, लंका दिशा था दक्षिण दिशा की ओर जाकर तपाने लगा है, यहाँ से निकल गया है। विरह बाढ़ी भा दारुण सी, विरह जब बढ़ रहा है और जो वो शीतलता है वह भी अपने प्रकोप पर आ गई है, इतनी ज़्यादा ठंड उसे वो कहती है प्रतीत हो रही है। और यह ठंड कैसी है, उसके मन का ठंडापन है, उसके मन में कोई उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, ऊर्जा का संचार नहीं है, क्योंकि जिसे उसने अपना सर्वस्व समर्पित किया था, जैसा सर्वस्व माना था, वह रत्नसेन उसे छोड़कर चला गया है कहाँ पद्मावती की तलाश में। लेकिन नागमती को यह नहीं पता, उसे नहीं पता कि उसके प्रिय कहाँ गए हैं। कभी कभी मरो लही हरिजीव, मतलब मैं कांप रही हूँ, मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है ठंड के मारे। कंत कहाँ हो लागो हियरे, कंत हे पति हे परमेश्वर हे प्रिय तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई। लागो हियरे मतलब मेरे मुझे अपने हृदय से लगाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, अपार मार्ग है, मुझे नहीं सूझ रहा कि तुम कहाँ निकल गए, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें, तुम्हारा मार्ग मुझे नहीं सूझ रहा। नियरे मतलब तुम मुझे आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सौर सुपेती आवे जोड़ी, जानहु सेज हिमचल बूढ़ी, वो कहते हैं कि कितना ही मैं चीज़ों को ओढ़ लूँ अपने ऊपर, कितना ही अपने आप को ठंड को कम करने का प्रयास करूँ, लेकिन ये ठंड जुड़ी नहीं जाती और ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ मैं सोई हूँ वह जगह हिम बन चुकी है, बर्फ बन गई है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, मतलब चकई मेरे से तो भले वे चकवा चकवी हैं, वे चकई पक्षी हैं जो रात में बिछड़ते हैं लेकिन दिन में तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ
मेरी स्थिति तो उससे ही बदतर है, क्योंकि मेरा तो दिन में भी मिलन नहीं होता अपने प्रिय से। मैं दिन रात कोयल की तरह कूकती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ। रैन अकेली, मैं रात भर अकेली हूँ, क्योंकि सभी सखियाँ जो हैं रात होने के कारण मुझे छोड़कर चली गई हैं। कैसे जियाओ बिछहू पाखी, मतलब एक पक्षी जोड़े से, पक्षी का जो जोड़ा है उसमें जब एक उड़ जाता है तो दूसरा किस प्रकार जिए। उसके विरह में वह जी नहीं पाता, वह दुखी रहता है। विरह साचन भवे तन चढ़ा, ये जो विरह है यह एक बाज के समान है। सचान मतलब बाज, बाज के समान है जो कि मेरे तन को, मेरे शरीर को नोचे जा रही है, और यह मुझे जीने नहीं देगी और ना ही मरने देगी। रक्त ढरा मांसुविरा, रक्त मेरी आंखों से अश्रु नहीं बह रहे, पानी नहीं बह रहा, क्या बह रहा है? रक्त, मेरी आंखों से रक्त लगातार गिर रहा है। मेरा सारा शरीर, सारा मांस जो है गल गया है, हड्डियां मात्र रह गई हैं, जैसे शंख। शंख ऊपर से बहुत सही लगता है लेकिन अंदर पूरी तरह से वह खोखला होता है, उसी प्रकार मेरा शरीर हो गया है तुम्हारे बिना। धनी सारस होई सिर मुरी, वो कहते हैं जिस तरह से जो धनी मतलब स्त्री, जो सारस की जो स्त्री होती है, मादा सारस होती है, उसके सारे पंख जब टूट चुके हैं, वह मर गई है, वह उसी प्रकार मेरी अवस्था है। तो अब वो रत्नसेन को याद करते हुए क्या कहती हैं कि आओ समेटहु पंख, तुम मेरे पंख ही समेटने आ जाओ, मैं पूरी तरह से ख़त्म हो गई हूँ, कम से कम मेरे पंखों को समेटने के लिए तो तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक है बच्चे, ये यहाँ दूसरा हमने पद कर लिया।